हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज केसी सिन्हा क्लास 12th मैथ्स वॉल्यूम 1 एक्सरसाइज 5 में दिया हुआ है। आज इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड जितना भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चंस को 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। तो उसका डिफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन विच नंबर्स और फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। मतलब कि सीधा आप ये समझिए कि जो मैट्रिक्स होता है वह नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसमें जो नंबर्स का अरेंजमेंट होता है वह रोज और कॉलम में होता है। यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है या तो कोई फंक्शंस भी हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो मैट्रिसेस है उसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक ना। तो मैट्रिसेस आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, फॉर एग्जाम्पल ABC ETC। मतलब कि जो मैट्रिक्स होते हैं उसको अंग्रेजी के इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है, एंट्रीज एंड एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं वह एक स्क्वायर ब्रैकेट के में इनक्लोज होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि रोज और कॉलम क्या होते हैं। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उनको रो कहते हैं, जैसे यहाँ row 1, row 2, row 3 up to row m, ये सब रोज है। फिर कॉलम, उसी तरह जो भी वर्टिकल लाइंस होते हैं उनको कॉलम कहते हैं, जैसे यहाँ पर C1, C2, C3 up to CN, ये सारे कॉलम है। तो चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक कोई मैट्रिक्स लिए हैं और देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज किया हुआ है। इसमें जो भी नंबर्स है वह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें टोटल 2 रोज है R1 एंड R2 और टोटल 3 कॉलम C1, C2 एंड C3 है। और इसी मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों सिंबल सेम चीज को ही डिनोट करता है, मतलब कि दोनों मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो ये मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसमें से नंबर्स को क्या कहते हैं उसको जानते हैं। जैसे कि ये 3 ये नंबर्स है, तो इस नंबर को हम लोग मैट्रिक्स का एलिमेंट और एंट्रीज कहते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं मैट्रिक्स भी। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 रोज और 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स में रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी दोनों है। मैट्रिक्स हम लोग सी लिए हैं। इस मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं कि 2 रोज R1 एंड R2 है एंड 3 कॉलम C1, C2 एंड C3 है। ये मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर और फंक्शन दोनों दिए हुए हैं। तो आई होप इसमें कि आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका डिफिनेशन को समझते हैं। तो इसका सिंपल डिफिनेशन होता है, इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स m रोज एंड n कॉलम्स देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m/n विच इज रिटेन एज m/n। इसका मतलब यह है कि किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n होगा, जिसे m/n पढ़ा जाता है। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला को देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, जहाँ m नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। और इस इनटू को बाय पढ़ा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू n/m। इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को सिंपली m/n से डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक ना। तो अब हम लोगों को इस मैट्रिक्स का ऑर्डर को निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि इस मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है। तो हम लोग इस देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में R1 और R2 दो रो है और इस मैट्रिक्स में C1, C2, C3 तीन कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज दो हो गया और नंबर ऑफ कॉलम तीन हो गया। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 2 × 3। तो हम सिंपली अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर को 2 × 3 लिख सकते हैं, जिसे 2/3 पढ़ा जाता है। मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बी कोई मैट्रिक्स है। तब हम लोग इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए रो देखेंगे, इस मैट्रिक्स में कितना रो है और इस मैट्रिक्स में कितना कॉलम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में R1 और R2 दो रो है एंड उसी तरह इस मैट्रिक्स में C1 एंड C2 दो कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 2 × 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। ये जो है 2/2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर को डिनोट करता है। तीसरा एग्जांपल हम लोग लिए मैट्रिक्स की। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है और कॉलम C1 C2 C3 तीन कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1/3, यानी कि ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। उसी तरह हम लोग एक और मैट्रिक्स देखते हैं, मैट्रिक्स भी। इस मैट्रिक्स में भी हम लोग को मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस मैट्रिक्स में कितना रो है। हम लोग देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में R1, R2, R3 तीन रो है और सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का यह मैट्रिक्स 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। इस टॉपिक का एलिमेंट एंड एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है और किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है और उसे कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट का डिफिनेशन क्या होता है। तो एलिमेंट का डिफिनेशन होता है द नंबर विच कंस्टिट्यूट अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब यह है कि जो भी नंबर मैट्रिक्स को बनाते हैं उन नंबर्स को उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। लेट ए कोई मैट्रिक्स है और हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में दो रो और तीन कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। इसमें हम लोग यह भी देखते हैं कि नंबर 2, 5, 1, 7, 3 ये सबसे मिलकर यह मैट्रिक्स बना हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जितने भी नंबर थे ये सारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। इसी मैट्रिक्स के एलिमेंट का नाम उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम के पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट 1 रो 1 और कॉलम 3 में प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा एलिमेंट ऑफ रो 1 एंड कॉलम 3। उसी तरह एलिमेंट 3 का नाम हो जाएगा एलिमेंट ऑफ रो 2 एंड कॉलम 2। उसके बाद नेक्स्ट हियर द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए आर 2, 5, 1, 7, 3, 2। मतलब कि ये जो सारे नंबर है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर्स। इसका मीनिंग यह है कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज इक्वल टू m × n। इसका मीनिंग यह हुआ कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा m × n। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है। तो हम लोगों को इसमें इस मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो जाता है 2 × 3, यानी कि m = 2 हो गया, n = 3 हो गया और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है m × n मीन्स 2 × 3 इज इक्वल टू 6। इससे पता चलता है कि इस मैट्रिक्स में टोटल 6 एलिमेंट होंगे। और ऐसे भी हम इसमें देख सकते हैं कि 2, 5, 1, 7, 3, 2 इस मैट्रिक्स में टोटल 6 एलिमेंट है। होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है और उसे कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इस टॉपिक में हम लोग
जानेंगे कि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें आईथ रो और जेथ कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को ए आई जे द्वारा डिनोट किया जाएगा। उसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स बी है और इसमें आईथ रो और जेथ कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को बी आई जे द्वारा डिनोट किया जाएगा। फिर अगर कोई मैट्रिक्स सी है, उसी तरह इसमें भी आईथ रो और जेथ कॉलम है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को सी आई जे द्वारा डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं कि एक वह मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, तो इस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, इसका मतलब यह हुआ कि इस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम होगा। जैसे R1, R2, R3 3 रो हो गया और C1, C2, C3 3 कॉलम हो गया। चूंकि मैट्रिक्स ए से डिनोट किया गया है, तो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट को स्मॉल ए से डिनोट करना है, इसलिए इस मैट्रिक्स का एलिमेंट हो जाएंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें एलिमेंट A11 को पढ़ा जाएगा एलिमेंट ऑफ रो 1 एंड कॉलम 1। उसी तरह इसको पढ़ा जाएगा एलिमेंट ऑफ रो 1 कॉलम 2। उसी तरह इसको एलिमेंट ऑफ रो 1 कॉलम 3। उसके बाद बी अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x3 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस मैट्रिक्स में 2 रो R1, R2 और 3 कॉलम C1, C2 है, तो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट हो जाएगा B11, B12, B13, B21, B22, B23। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है और 2, 5, 1, 7, 2, 3, 4, 1, 2 इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है, तो अब हम लोगों को इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखना है। जैसे इसमें A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, A13 क्या होगा। जैसे कि हमको पता है कि ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, उसी तरह ये A21 है, ये A22 है, ये A23 है, ये A31 है, ये A32 है, ये A33 है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं A11 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, A12 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, A13 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, A21 7 हो जाएगा, A22 2 हो जाएगा, A233 हो जाएगा, फिर A31 4 हो जाएगा, A32 1 हो जाएगा, A33 2 हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जितना भी एक्सरसाइज 5.1 का कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़े हैं, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो आप किसी सीना एक्सरसाइज 5.1 के टाइप 1 के मैक्सिमम क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स 20 एलिमेंट्स देन राइट पॉसिबल ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये क्वेश्चन यह कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट है, तो हम लोग को पॉसिबल ऑर्डर और पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि कौन कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स इस 20 एलिमेंट से बन सकता है, उसको निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को देखना होगा कि हम 20 को कितने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 1 इंटू 20, एक ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 10, तीसरा हो जाएगा 4 इंटू 5, चौथा हो जाएगा 5 इंटू 4, तीसरा पांचवा हो जाएगा 10 इंटू 2, एंड छठा हो जाएगा 20 इंटू 1। इस मतलब इतना सारा ऑर्डर का मैट्रिक्स इस 20 एलिमेंट को यूज करके बन सकता है। तो इसलिए रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वुड बी 1/20, 2/10, 4/5, 5/4, 10/2 एंड 20/1। इसमें दूसरा क्वेश्चन है पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। तो पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि 20 एलिमेंट का यूज करके कौन कौन सा ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1/20 इस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन सकता है, उसी तरह 2/10 इस ऑर्डर का भी एक मैट्रिक्स बन सकता है, 4/5 इस ऑर्डर का भी एक मैट्रिक्स बन सकता है, फिर 5/4 इस ऑर्डर का भी एक मैट्रिक्स बन सकता है, फिर 10/2 इस ऑर्डर का भी एक मैट्रिक्स बन सकता है, फिर 20/1 इस ऑर्डर का भी एक मैट्रिक्स बन सकता है। मतलब कि इन सारे ऑर्डर से मिला के कुल 6 मैट्रिक्स बन सकता है। तो इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6।
अब हम लोग टाइप वन में ही एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट आ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि आई है वो रो को डिनोट करता है और जे है वो कॉलम को डिनोट करता है। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई जे 3x2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक 3x2 मैट्रिक्स लिख देंगे, इसका एलिमेंट हो जाएगा a11, a12, a21, a22, a31, a32। अब हम लोग सारा एलिमेंट्स का वैल्यू को निकालेंगे। नाउ क्योंकि हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट a11 निकालेंगे। इसके लिए हम लोग आई का वैल्यू 1 पुट करेंगे और जे का वैल्यू भी 1 पुट करेंगे, तो हो जाएगा आई का वैल्यू 1 पुट करेंगे, जे का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। उसी तरह फिर हम लोग निकालेंगे a12, यहाँ आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, जे का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 1+2 3 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पे a21 निकालेंगे, तो यहाँ आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, जे का वैल्यू 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3। उसी तरह हम लोग फिर a22 निकालेंगे, तो आई और जे दोनों 2 हो जाएगा, 2+2 4। फिर यहाँ a31 निकालेंगे, तो आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू 1, ये 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग a31 निकालेंगे, यहाँ आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, जे का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। अब हम लोग ये सारा जितना भी वैल्यू निकाल लें, a11, a12, a21, a22, a31, a32, ये सारा वैल्यू को इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, तो इसीलिए हम लोग का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये हो जाएगा। इसका ऑर्डर 3x2 है, तो ये हम लोग का